हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, तो जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम IQC की सीरीज को चालू कर रहे हैं। IQC मतलब इनकमिंग क्वालिटी चेक। तो आज हम चेक करेंगे अपनी जो हमारी ट्रांसफार्मर्स में कोर लगती है रिंग टाइप की, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, हम किस प्रकार से कोर को टेस्ट करते हैं और तो उसमें हमें क्या क्या टेस्ट करने चाहिए। तो जैसा हम सबसे पहले बात करते हैं कोर की डायमेंशन। तो कोर की डायमेंशन में आता है ID, OD, हाइट, मतलब इनर डाया, आउटर डाया और उसकी हाइट। तो जैसे ये हमारा एक कोर है, फॉर एग्जांपल ये इसकी ID हो जाएगी और ये इसकी OD हो जाएगी। तो ये आपकी, हम इसमें क्या चेक करते हैं कि कोर की ID, OD और हाइट। इस प्रकार से हमें अपनी कोर का एक टेस्ट हमें क्लियर हो जाता है कि हमें जो हमने कोर ऑर्डर करी है जिस साइज की, सपोज 78-95-20 है या 90-80-10 है या 80-90-100 है, मतलब कुछ भी हो, तो हमें उसमें क्या है, सबसे पहले हम कोर की ID, OD और हाइट को चेक करते हैं। दूसरा टेस्ट है कि हमें कोर के जो लॉस चेक करने होते हैं, वो कोर के जो लॉस हैं वो हमें क्या हो, 3 रीडिंग लेनी होती है, 0.5 टेस्ला पे, 1 टेस्ला पे और 1.5 टेस्ला पे। तो ये हर कोर का अलग अलग V और I मतलब वोल्टेज एंड करंट अलग अलग तरीके से चेक करा जाता है। मैं आपको बता दूं क्या होता है इसमें, क्या करते हैं हम, एक रिंग कोर या रेक्टेंगल कोर, कोई भी कोर है, एक कंपनी का स्टैंडर्ड होता है अपना कि हमें इतने वोल्ट पर इतना करंट होना चाहिए। ये हर कंपनी अपना एक सेटअप बना करके रखती है पहले ही, जो उसको रीडिंग अचीव करनी है, जैसे क्लास 1 की या 5P10 की या 5P20 की, वो उस हिसाब से पहले ही अपनी कोर की रीडिंग को सेट कर लेते हैं। और उसका एक फॉर्मूला भी है, इंटरनली होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे 0.5 टेस्ला है, 0.5 है, 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला है, तो इस पे क्या है, वोल्टेज की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया 18.18, 0.36 और 0.56, तो इस पर हम क्या है, ये हमारे वोल्ट की वैल्यू है, इस पर हमारा जो करंट है I लिमिट होती है उसकी, वो हमेशा उससे कम ही होना चाहिए। तो जैसे हमारा ये V है 0.18 है, 0.36 है और 0.56 है, ये हमारा 0.5 टेस्ला है, ये हमारा 1 टेस्ला है और ये हमारा 1.5 टेस्ला है, ये हमारी V की वैल्यू। V पर हमें क्या करना है, इतने उस पर, मतलब हम यहाँ पर वैल्यू अपने, हमारे कोर टेस्टर सेट है वो आप वीडियो में देखेंगे, वो मैंने चेक करके बताया भी है। तो जो हमारा 0.18 पर जो वैल्यू है, तो हमारी उसमें जो करंट की वैल्यू है वो हमारी 0.29 और 0.46, तो 0.83। तो ये इस हमारा जो वोल्टेज को हम लेकर के जाएंगे 0.8 पर या 0.36 पर या 0.56 पर, तो हमारी जो 0.5 टेस्ला में, तो हमारे जो करंट की वैल्यू है वो 0.29 से कम होनी चाहिए और 1 टेस्ला पर हमारी 0.46 से कम होनी चाहिए और 1.5 टेस्ला पर 0.83 से कम होनी चाहिए करंट की वैल्यू। करंट की वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए, जितना करंट आपका कम होगा उतने ही उसमें कोर लॉसेस कम होते चले जाएंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी कोर है, ये हमने क्या है, ये हमारा, हमने जो टेस्ट कराया, वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने उसमें क्या है, 10 टन्स का वो बनाया हुआ है और हमने दो वायर उसके कोर टेस्टर के वी और आई में, एक नोटिफिकेशन होता है उसमें, मार्किंग होती है, उसके अंदर कनेक्ट करने के बाद हम अपने डीमर को स्लोली स्लोली बढ़ाते हैं और इस प्रकार से हम अपनी रीडिंग को लेते हैं। ये इस प्रकार से हम चेक करते हैं अपनी कोर के लॉसेस को। उसके बाद हम चेक करते हैं अपने कोर का वेट, हमारी कोर का कैलकुलेटेड वेट क्या है और कोर का एक्चुअल वेट क्या आ रहा है, वो हम वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से हमने अपने इन सब चीज़ों को कैसे चेक किया है। तो होप सभी को पसंद आएगी वीडियो। तो आइए हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने वनियर कैलिपर से अपनी कोर की आईडी को चेक करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं इसमें 76 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, बट ये 78 की कोर है मेरी, थोड़ा 1-2 mm चलता है इतना। और उसके बाद हम अब चेक करेंगे कोर की ओडी को, ओडी मतलब आउटर डाया, वो हमारा है 95 mm। और उसके बाद हम चेक करेंगे कोर की विर्थ, विर्थ मतलब जो उसको हाइट पे भी बोलते हैं लोग, वो कुछ लोग हाइट में कंसीडर करते हैं। अब हम इसके लॉस को चेक करेंगे। लॉस को चेक करने के लिए हमारे पास एक टोटल कोर टेस्ट सेट होता है, उसकी हेल्प से हम अपने कोर को
कोर में जो लॉसेज हैं उसको हम चेक करते हैं। इसमें क्या वी मतलब वोल्टेज एंड ए मतलब एम्पियर, इसमें क्या है 10 टर्न्स का राउंड कर देते हैं। 10 टर्न्स पे हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसा हम देखेंगे अभी इसमें जो वोल्टेज है 0.18 पर हम इसका वोल्टेज करंट मेजर करेंगे, जो हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से करंट है वो कम होना चाहिए हमेशा। ये हम रीडिंग जो है तीन रीडिंग्स लेते हैं, 0.5 टेस्ला और 1 टेस्ला और 1.5 टेस्ला। जैसे अभी हमारा वोल्ट 0.18 पर जो करंट है हमारा 0.21 है, जो हम जो उसकी लिमिट है हमारी 0.29 है और हमारी आ रही थी 0.22। और उसके बाद हम चेक करेंगे अपनी 1 टेस्ला पे जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू है वो हमें 0.36 रखनी है और हमारा करंट जो कैलकुलेशन के हिसाब से आना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए। जैसा हमारी रीडिंग में है अभी 0.36 में 0.36 वोल्ट पर 0.33 एम्पियर आ रहा है और हमारा जो कैलकुलेटेड है वो 0.46 है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब जैसे हम 1.5 टेस्ला पे चेक करेंगे तो अब हम अपने वोल्टेज में को इंक्रीज करते हुए जाएंगे डीमर की हेल्प से, वो हमारी जो वैल्यू है वोल्टेज की 0.56 है। तो हम अपनी वैल्यू को 0.56 पर ले जाएंगे और उसके बाद हम जो करंट है वो करंट को चेक करेंगे और जो वैल्यू हमारी करंट की आ रही है वो हमारी लेस देन होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू कैलकुलेटेड। वो हर कोर के लिए अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग कैलकुलेशन होती है, वो हर कंपनी का अलग अलग हिसाब होता है, उसमें हम चेक करते हैं। और जो हमारी करंट की वैल्यू आ रही है अभी 0.5 एम्पियर आ रही है 0.55 वोल्ट्स पर और ये हमारी जो लिमिट है उसकी 0.83 है। तो हमारी ये कोर पास है और अगर ये करंट हमारे एक्सीड करते हैं तो ये कोर फेल हो जाता है। अब हम उसके बाद चेक करेंगे कोर का वेट। कोर लॉस के बाद हम अपने कोर का वेट चेक करते हैं। कोर का जो वेट आ रहा है मेजर्ड वो है 0.32 और जो कैलकुलेटेड है वो हमारा आ रहा है 0.34। इस प्रकार से हम अपनी कोर का 5 टेस्ला और 1 टेस्ला 1.5 टेस्ला पे करंट की वैल्यू को ले लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि कैलकुलेटेड हमारा डिफरेंट है और मेजर्ड वैल्यू अलग है। मेजर्ड वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू कैलकुलेटेड और ऐसे ही वेट हमारा अप्रोक्सीमेट सिमिलर ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी ये कोर पास है।